हेलो एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा। वेलकम यू ऑल एट माय चैनल द डेस्टिनेशन ऑफ मॉडर्न मॉम्स। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द प्री प्राइमरी एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, एवरीथिंग अबाउट द प्री प्राइमरी एजुकेशन। व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय पास्ट दैट पेरेंट्स आर हैविंग व्यूज दैट प्री प्राइमरी एजुकेशन इज यूजलेस, वेस्टेज ऑफ मनी। पेरेंट्स को लगता है पैसा बर्बाद करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन बनाया गया है। हम तो बच्चे को ABCD घर में सिखा देंगे, देन वी विल एनरोल आवर चाइल्ड इन क्लास वन। हम बच्चे को डायरेक्ट क्लास वन में भेजेंगे, 3-4 साल के लिए बच्चों को ABCD सीखने के लिए इतना पैसा बर्बाद करें। द मेन कंसर्न इज आई डोंट अंडरस्टैंड वाई द पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। ये अभी तक बच्चे पेरेंट्स को समझ में नहीं आया, इवन द एजुकेटेड पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। वट इज़ प्री प्राइमरी एजुकेशन? प्री प्राइमरी एजुकेशन इज स्पेशली मेंट फॉर 3 to 6 year old चाइल्ड। 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन बनाया गया है। एंड वट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजुकेशन? इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। These all things covered during pre-primary education and to making your child ready for reading and writing is another objective of pre-primary education. Now you will think कि इसी एज ग्रुप में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? Because 90% mind of a child develop during this age group. 6 साल तक के बच्चे का दिमाग, 90% दिमाग जो होता है 6 साल तक की एज में ही बच्चे का इम्प्रूव होता है। और अगर इस 6 साल तक की एज में हम बच्चे को एक्सप्लोर करने के चांसेस देंगे, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम को सुना, समझा और सॉल्व किया जाएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ चाइल्ड। बच्चे के कनेक्शंस उतने ही स्ट्रांग होंगे जितना उस बच्चे की क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी क्यों है? नाउ जैसे आप एक घर बनाने से पहले हम बोलते हैं ना, नींव बहुत स्ट्रांग होगी तो मकान और घर भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। सिमिलरली अगर प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे का बहुत स्ट्रांग होगा, बेस बहुत स्ट्रांग होगा, तो डेफिनेटली बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। नाउ व्हाट दे आर वी आर डूइंग ड्यूरिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, द मेन वे ऑफ टीचिंग इज प्ले वे मैथड। और यही पेरेंट्स का रीज़न है कि प्ले वे मैथड खेलने के लिए बच्चे को स्कूल में भेजें। व्हाट आर द थिंग्स वी आर डूइंग ड्यूरिंग प्ले वे मैथड? क्या क्या करते हैं हम, जैसे कि स्टोरी सुनाना, स्टोरी नरेशन, राइम रेसिटेशन, क्वेश्चन आंसर राउंड, पजल सॉल्व करना। अब पेरेंट्स को लगता है स्टोरी सुन के आ गया बच्चा, इसलिए हम इतने पैसे भेजते हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग कि स्टोरी सुन के आए, व्हाट इज़ द रीजन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी नरेशन? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। स्टोरी नरेशन बच्चे के साथ क्यों किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको भी सुनिए, उसको भी समझिए। जब बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है, बच्चा एक ग्रुप में बैठता है, बच्चा ग्रुप में बैठना सीखता है, बच्चे की अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है, बच्चा किसी और को थोड़ी देर बैठ के सुनना सीखता है। चाइल्ड लर्न हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, बच्चे की इमेजिनेशन स्किल इंक्रीज होती है, बच्चे की थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी नरेशन। बच्चे का टाइम पास करने के लिए स्टोरी नहीं सुनाई जाती है बच्चे को, जैसा ये पेरेंट्स को लगता है कि टाइम पास करके आया आज तो। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ राइम रेसिटेशन? राइम तो बच्चा फ़ोन में भी सीख लेता है, ये भी बहुत पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है। राइम सिखाने का मेन मोटो होता है बच्चे की वोकैबलरी इंक्रीज करना। बच्चा जब राइम सुनता है और फिर उसको अपने ग्रुप को, अपने स्कूल में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को खड़े होकर सारे ग्रुप को, अपने क्लासमेट को, अपने टीचर को सुनाता है, बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होती है। बच्चा जो थोड़ा बहुत झिझक रह जाती है वो स्लोली उसकी वो ख़त्म होती है। इट हेल्प्स इन हायर स्टडीज़। जब बच्चा आपका डिबेट्स के लिए जाएगा ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तब वही चीज़ें काम आती हैं बच्चे की। अभी तो हमको लगता है कि बच्चे ने क्या किया, सिर्फ राइम तो सीख के आया है, क्या बड़ी बात कहती।
But these all things having very very important role during pre-primary education. अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है आपके लिए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें. जिन लोगों को अभी भी प्री-प्राइमरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें. अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो के बाहर सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. एंड मस्ट हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोज़. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.